इंडिया टीवी आपकी आवाज। पूरे देश में आज रक्षाबंधन की खुशियां हैं, लेकिन वृंदावन की विधवाओं को बहुत साल बाद इस मौके पर खुशी महसूस हुई है। अपने पति को खोने के बाद अकेला जीवन गुजार रही महिलाओं ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इनमें से 10 महिलाएं पीएम मोदी के लिए करीब 2000 रंग बिरंगी राखियां लेकर आज दिल्ली भी पहुंच रही हैं। आज राखी है भाई बहन के प्यार का दिन, भाई का बहन से वादे का दिन। हर साल की तरह आज हर घर में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी सजाएगी, लेकिन कृष्ण की नगरी वृंदानगर में कुछ ऐसी विधवाएं हैं जिन्होंने सारी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर पहली बार राखी का पर्व मनाया और राखी बांधकर ये दिन अपने भाई और खुद के लिए यादगार बना लिया। वृंदावन के आश्रय सदन में रहने वाली इन सैकड़ों विधवाओं ने अपने हाथों से राखी बनाकर आश्रय सदन के संस्थापक को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। भाई अपनी कलाई पर प्यार की सैकड़ों राखियां बंधवाकर और आशीर्वाद पाकर खुश हैं, तो बहनें भाई का साथ पाकर फूली नहीं समा रही हैं। सदन के संस्थापक के साथ इन महिलाओं ने छोटे बच्चों की कलाई पर भी राखी सजाई। दरअसल अपनों की अनदेखी झेल रही ये महिलाएं वृंदावन के आश्रय में रहती हैं। ये महिलाएं कभी दुर्गा पूजा तो कभी होली खेलकर कुछ अलग करती हैं। इस बार महिलाओं ने भाई बहन के इस प्यार के दिन साधु संतों और बच्चों के हाथ में राखी बांधकर अपने लिए खुशियां बटोरने की कोशिश की है। MS शर्मा, इंडिया टीवी, वृंदावन।